हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा यूनिट है जो हम करने जा रहे हैं वो है आईसीटी का, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज 28 तारीख हो गई है, 13 जून से एग्जाम है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और बहुत जल्दी में हमें अपना सिलेबस जो है उसे कवर करना है। तो हम 2 दिन में आपका पूरा आईसीटी कवर कर देंगे। 2 दिन की क्लास में पूरा आईसीटी आपका कवर हो जाएगा। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और बताइए ऑडियो विजुअल सबको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आज इस यूनिट से बहुत सारी चीजें जो सीखने को मिलेंगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और बताइए ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। मनीषा, भारती, अंजलि, दीपिका, सुधीर, दीपशिका, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम कम बचा है, सिलेबस को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर कल जो हमारा था एनईपी, परसों मैंने एनईपी कराया था, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हाइलाइट्स हैं वो करवा दिए थे। डिजिटल इनिशिएटिव जो है वो भी आपके निपट गए, यानी कि डिजिटल इनिशिएटिव भी मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अभी आईसीटी और उसके बाद सीधा हम जाएंगे हायर एजुकेशन पे। लॉजिकल रीजनिंग मैंने करवा दी है काफी हद तक, वो भी जो हमारे पास टाइम बचेगा, जो भी इनमें से टॉपिक रह जाएंगे उसे हम एमसीक्यूज के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमारा क्या है कि आईसीटी, और आईसीटी के बाद डायरेक्टली हम हायर एजुकेशन पे जाएंगे। 2 दिन में हम आईसीटी को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास अगर लंबी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कवर करेंगे काफी सारे टॉपिक को। तो आईसीटी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं राधे राधे प्रीति, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आज। अगर आप लोगों के कमेंट को मैं ना देख पाऊं तो टेंशन मत लेना, क्योंकि फोकस किस पे है, क्वेश्चंस को कवर कराने पे। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है, अगर यहां से आपका क्वेश्चन बन जाए तो आप इसका क्या आंसर करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर, मेरी तबीयत ठीक है सुधीर, है ना। तो अभी अगर हम बात करें आईसीटी में, तो आईसीटी में क्या क्या चीजें आती हैं। आईसीटी में आपका सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आता है, सोशल मीडिया से क्वेश्चन आता है, आपके कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। प्रणाम पिंकी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है। मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे हम उसका बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। सामाजिक नेटवर्क के द्वारा आसानी से प्रचार करना, ऑप्शन नंबर 1। सबसे ज्यादा अगर हम कहें ऑप्टिमाइजेशन हुआ, इसका फायदा मिला है किस चीज में, पब्लिसिटी। कोई चीज आपने, कोई ब्रांड है, उसका सबसे ज्यादा पब्लिकेशन यहाँ पर होता है, पब्लिसिटी होती है, ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सोशल मीडिया अनुकूलन, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से क्या क्या चीजें होती हैं। लक्ष्य को परिभाषित किया जाता है, सोशल मीडिया से आप बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, प्रचार कर सकते हो, पब्लिसिटी कर सकते हो। खोज शब्द अनुसंधान, यानी जो सामग्री, जो कंटेंट आप खोजना चाहते हो उसे आप खोज सकते हो। प्रोफाइल अनुकूलित करना, प्रोफाइल आपके व्यवसाय के बारे में जो प्रासंगिक जानकारी से परिपूर्ण है। अभी अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ध्यान से अगर देखा हो तो व्हाट्सएप 2 चलते हैं, व्हाट्सएप भी 2 चलने लगे हैं। कौन कौन से व्हाट्सएप चलने लगे हैं कोई बता सकता है। हाँ, अभी दिवित, उसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज में करवा दूंगी। अभी जो मेन मोटा मोटा टॉपिक है अपन वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने अगर मैं पूछूं, 2 व्हाट्सएप आजकल हर एक कोई जानता है कि 2 व्हाट्सएप चलते हैं। एक व्हाट्सएप जो पहले चलता था पर्सनल, आप लोग चलाते थे, लेकिन एक व्हाट्सएप आया व्हाट्सएप बिजनेस के नाम से, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप बिजनेस भी कर रहे हैं। सामग्री विविधता, नियमित पोस्टिंग किसके थ्रू होती है, सोशल मीडिया के द्वारा।
क्रॉस प्रमोशन होता है। आपको पता होगा कई ऐसे जैसे अमेजोन के प्रोडक्ट आप लेते होंगे, तो वो प्रोडक्ट की आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्रॉस प्रमोशन भी करता है, यानी कि अपने दूसरे प्रोडक्ट भी आपको दिखाना शुरू करता है। यूज़र इंगेजमेंट, कमेंट, लाइक, शेयर, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। एनालिटिक्स का उपयोग, सशुल्क प्रचार, यानी कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे आप अगर किसी का प्रमोशन करते हो तो आपको पैसे भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें आज के टाइम में सोशल मीडिया का, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस, ये दो तरीके के बिजनेस ये व्हाट्सएप आ गए, ठीक है ना। फेसबुक में भी अगर आप देखिए तो फेसबुक में भी आपको कई तरीके की इस तरीके की एक्टिविटी दिखाई देगी कि लोग प्रमोशन कर रहे हैं, थ्रू एड कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, कंटेंट वैरायटी, रेगुलर पोस्टिंग, क्रॉस प्रमोशन, यूजर इंगेजमेंट। आज के टाइम में हम अगर हम बात करें कि किस में हम लोग रह रहे हैं, वेब 1.0, 2.0 या 3.0, हम लोग कौन सी जनरेशन में रह रहे हैं वेब की? सबसे ज्यादा इंगेजमेंट आज के टाइम में है। आज के टाइम में किसी को किसी से बात करने के लिए सोचना नहीं है, हमारे पास इतने ज्यादा सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म है ना। तो अगर हम कहें, फेसबुक ने भी अपने आप को अपडेट कर दिया है, इंस्टाग्राम ने भी अपने आप को अपडेट किया है। वेब 3.0 बेटा, वेब 3.0 में है हम लोग। सबसे ज्यादा इंगेजमेंट आज के टाइम में सोशल मीडिया के द्वारा, सबसे ज्यादा इस समय अगर हम हैं 3.0 पे हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जब इंगेजमेंट की बात करती है, सबसे ज्यादा जब सोशल मीडिया का यूज किया जाता है, तो उसे हम एक नई जनरेशन मान लेते हैं, तो वो हो गई 3.0, ठीक है। पहले अगर जनरेशन थी तो इतना था, ऑर्कुट था, फेसबुक था, बट इतने ज्यादा लोग उससे कनेक्टेड नहीं थे, बट आज हर कोई कनेक्टेड है। विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री? ई कॉमर्स का कौन सा आयाम देश की सीमाओं से परे वाणिज्य को सक्षम बनाता है? क्वेश्चन नंबर टू, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर सिर्फ थ्योरी लेके बैठेंगे तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, थ्योरी के चक्कर में बाकी चीजें भूल जाएंगे या उनको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं क्लासेस में, एमसीक्यूज प्लस थ्योरी, जिससे कि आपके क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएं और आपको थ्योरी भी समझ में आए। अब अगर क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, ई कॉमर्स का कौन सा आयाम, विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री? करेक्ट आंसर, वैश्विक पहुंच, यानी कि विश्वव्यापी पहुंच, ग्लोबल रीच इस क्वेश्चन का सही आंसर। देश की सीमाओं से परे अगर हमें बिजनेस करना है तो क्या करेंगे उसके लिए हम, ग्लोबल रीच। ई कॉमर्स का कौन सा आयाम, ग्लोबल रीच, विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स, यानी कहीं पर भी कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी कहीं भी किसी को सामान पहुंचा सकता है, ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? ई कॉमर्स, ई का क्या मतलब होता है, ई कॉमर्स में कराटे गुरु, अगर हम कहें ई कॉमर्स तो ई कॉमर्स में ई का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए, ई का मतलब, ई का क्या मतलब है आपके ई कॉमर्स में? इलेक्ट्रॉनिक, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। ये व्यवसाय को अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने, दुनिया भर के नए बाजारों में टैप करने की अनुमति देता है, भौगोलिक सीमा से परे गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता देता है, अलग अलग लोगों तक आपका सामान पहुंचता है, आपकी सर्विसेज पहुंचती हैं, किसके थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू। समृद्धि क्या चीज है, समृद्धि ई कॉमर्स वातावरण में उपलब्ध जानकारी की गहराई और जटिलता को संदर्भित करती है, इसमें विस्तृत उत्पाद विवरण, चित्र, वीडियो, ग्राहक समीक्षा, विनिर्देश शामिल होते हैं, उपभोक्ताओं को सूचित क्रय निर्णय लेने में सक्षम बनाती है समृद्धि।
अंतर क्रियाशीलता, इंटरेक्शन क्या चीज होता है, जहां दो तरफा संचार हो, इंटरेक्शन, दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रियल टाइम प्रतिक्रिया, यानी आपको तुरंत पता है कि ग्राहक आपसे क्या चाहता है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। व्यक्तिकरण, सर्वव्यापकता, ई कॉमर्स के थ्रू कहीं भी पहुंच योग्य, खरीदारी का सुविधाजनक अनुभव। क्या कोई मुझे ई कॉमर्स साइट बता सकता है कौन कौन सी ई कॉमर्स साइट इस समय चल रही है? ई कॉमर्स साइट, अब आपका टाइम है, अब आप बताएंगे ई कॉमर्स साइट कौन कौन सी चल रही है। सामान खरीदते हो, कौन कौन सामान खरीदता है ऑनलाइन? अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको पता होगा कौन कौन सी ई कॉमर्स साइट इस समय चल रही है इंडिया में। अनीशा, गुड इवनिंग बेटा, बताओ जरा इस समय कौन कौन सी ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स साइट चल रही है। ई कॉमर्स, कॉमर्स का क्या मतलब है? जब हम बिजनेस के पर्पज से कोई काम करते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, आप अमेजोन को जानते हो, तो अमेजोन आप यूज कर रहे होगे, तो क्या आप बता सकते हैं उसकी जो वॉइस असिस्टेंट है उसका क्या नाम है? एप्पल की जो वॉइस असिस्टेंट है उसका क्या नाम है? गूगल की जो वॉइस असिस्टेंट है उसका क्या नाम है? और आपके क्रोम की जो है उसका क्या नाम है, बता सकते हैं क्या? वॉइस असिस्टेंट, बिग बास्केट। वॉइस इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, दिव्य, जैसे मैंने आपसे बात करी, ठीक है, फेस टू फेस, तो रियल टाइम कन्वर्सेशन उसको कहते हैं। मंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए जो फ्लिपकार्ट है वो कब आई थी, फ्लिपकार्ट कब आई, अमेजॉन कब आई, आपको मैचिंग में आंसर पूछ लिया, क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जो आप डेली बेसिस पे चीजों को कर रहे हैं वहां से पूछे जा रहे हैं। शुगर हो गई, आप लोग वॉइस असिस्टेंट जानते हैं? मीशो, बिग बास्केट, अलीबाबा, स्नैपडील, मिंत्रा, इंडिया मार्ट, बुक माई शो, वेरी गुड। लेकिन इनके वॉइस असिस्टेंट कौन से हैं जो हम जब हम साइट पे जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं? अलेक्सा, अलेक्सा किसका है आबिदा? अलेक्सा किसका है बेटा? अमेजोन का है। हेलो अलेक्सा, अमेजोन की वो वॉइस असिस्टेंट है, यानी आपको हेल्प करती है कोई भी प्रोडक्ट या आपकी किसी भी क्वेरी के लिए, वॉइस असिस्टेंट वो होता है। उसके अलावा ममा अर्थ, वेरी गुड, लेकिन वॉइस असिस्टेंट बताइए जरा, सिरी किसका है? प्रियंका, विपिन, हेलो बेटा, सिरी किसका है? एप्पल का। सिरी एप्पल का। और ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। हम लोग क्या करते हैं ई कॉमर्स साइट के बारे में, जनरली आप कह रहे होगे मैम हमें कॉमर्स क्यों पढ़ाने लगी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं कॉमर्स पढ़ाने लगी, मैं आपको आईसीटी पढ़ा रही हूँ, और आईसीटी में चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ई कॉमर्स साइट हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एप्पल, सिरी, अमेजोन, अलेक्सा, गूगल, हेलो गूगल, गूगल का कौन सा है? हेलो गूगल, गूगल असिस्टेंट। तो ये जितने भी वॉइस असिस्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये जितने भी वॉइस असिस्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, और जो चीज पूछी जाती है वो दोबारा रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो वॉइस असिस्टेंट जितनी भी ई कॉमर्स साइट है उनके याद करना शुरू कर लीजिए। हे गूगल, वेरी गुड। बहुत कम टाइम है और इसी वजह से हम सिर्फ अभी उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये जिस टॉपिक की मैंने बात की, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपसे शेयर करना जरूरी है। जो यहाँ पर इंटरनेट या ई कॉमर्स की बात है, ई कॉमर्स क्या क्या हेल्प करता है, इंग्लिश में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें हैं, आपको टाइम कम बचता है। अब ये क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जी मेल में जो आप अटैचमेंट लगाते हो उसका जो अधिकतम आकार है वो कितना है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, या फिर आपका आता है कि मान लीजिए व्हाट्सएप पे आप कितनी जो इमेज है
उसे शेयर कर सकते हो, कितनी इमेज शेयर कर सकते हो, कितनी जो MB है या GB है उसकी वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्या बताऊं? ये नए क्वेश्चन है। डेट ऑलरेडी विपिन आ चुका है, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में ही आपकी डेट आ गई थी जून की। अमेजॉन लॉन्च हुआ है 1995 एज अ बुक सेलर, वेरी गुड। जीमेल में जो आप अटैचमेंट लगाते हो, अच्छा जो अटैचमेंट लगाते हो उसमें क्या क्या चीजें लगा सकते हो? सही आंसर है 25 MB। 13 जून से एग्जाम है, इसीलिए 2 दिन में ICT को कंप्लीट करना है। अगर जो क्लास अटेंड नहीं करेगा मुझसे दोबारा नहीं कहना कि मैम कंप्लीट करा दो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट लेके बैठी हुई हूं मैं, 25 MB। लेकिन अगर मैं बात करूं कि व्हाट्सएप में कितनी इमेज तक आप शेयर कर सकते हो, अगर कभी ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान देते हैं नहीं, हम तो फोटो भेजते हैं, 30 इमेज, 30 इमेज से ज्यादा अगर आप व्हाट्सएप में किसी को शेयर करोगे वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट हो गए, इमेज हो गया, वीडियो हो गया। वेरी गुड प्रीति, अटैचमेंट में क्या क्या चीजें लगा सकते हैं हम। यहां से क्वेश्चन आ रहा है आपका, PDF लगा सकते हैं, वेरी गुड, है ना? तो ये चीजें आपने पढ़नी है। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ईमेल भाई अच्छा क्वेश्चन याद दिलाया मेरे को। ईमेल किसके द्वारा लाया गया था और कौन से ईयर में? ईमेल किसके द्वारा लाया गया और कौन से ईयर में? एक बार में 30 कर सकते हो, वेरी गुड। ईमेल का आविष्कार किसने किया? जल्दी बताइए, ईमेल का आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया है? एग्जाम में आएगा बेटा। नाइनटीन 77 इंडिया में कब किया गया? दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है इंडिया में और एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड में, कि जीमेल कब आया था, इंडिया में कब आया, किसके द्वारा लाया गया। राधे राधे मिक्की, बताओ बेटा जल्दी से। ईमेल, जीमेल 25 MB तक की अटैचमेंट को रख सकता है, याहू मेल, हॉटमेल, जीमेल। मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवाएं प्रदान करता है, कौन से वेब ब्राउजर्स होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, जिसके माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। मूल्यांकित वेब आधारित, कई मुफ्त में आपको वेब उपलब्ध कराते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रीमियम खाते होते हैं ना। निजी ईमेल सेवाएं भी होती हैं जो आपसे पैसे लेती हैं, ठीक है? अटैचमेंट साइट, टाइप्स ऑफ ईमेल सर्विसेज, प्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, प्राइस, प्राइवेट, ये 3 तरीके की होती हैं ईमेल। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए लिखा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। यदि प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय क्षेत्र में जहां समय का अंतर 12 घंटे है, ईमेल भेजने से समस्या होगी। एक ईमेल प्रणाली में BCC का मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। सैमुअल टॉमलसन के द्वारा, वेरी गुड, रे टॉमलसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, वेरी गुड जॉब। जीमेल का, मेल का, ईमेल का। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेंडिंग एन ईमेल विल कॉज अ प्रॉब्लम। इन्होंने कहा किसी को अगर हम मेल भेज रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी अगर वहां का टाइम जोन और दूसरे टाइम जोन के बीच का 12 घंटे का डिफरेंस है। इज इट पॉसिबल? व्हाट्सएप पे 30 का होता है बेटा, 30 इमेज सेंड कर सकते हो।
ऑप्शन नंबर टू, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है भाई। यदि प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय क्षेत्र में है जहां का अंतर 12 घंटे है तो ईमेल भेजने से समस्या होगी? नहीं, ईमेल भेजने से समय क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती। ईमेल बिना किसी समस्या के विभिन्न समय क्षेत्रों में भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के स्थानों के बीच के समय के अंतर के आधार पर जिस समय ईमेल भेजा गया था वह उस समय से भिन्न हो सकता है जब वह प्राप्त हुआ, लेकिन भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और यहां क्या लिखा था? ब्लैक कार्बन कॉपी। बीसीसी का क्या मतलब होता है? ब्लैक कार्बन कॉपी। और यहाँ पे क्या लिखा था? सॉरी, ब्लैक कार्बन कॉपी लिखा था। होता क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है? ईमेल की एक विशेषता जो प्रेषक को अन्य प्राप्तकर्ताओं के ज्ञान के बिना किसी को ईमेल के प्रति भेजने की अनुमति देती है। कार्बन कॉपी कार्बन पेपर का उपयोग करके दस्तावेज की डुप्लीकेट कॉपी बनाने की प्रथा को संदर्भित करता है। ठीक है, लूप में जाती है इसमें मेल आपकी। इसको इंग्लिश हिंदी में पढ़ लेना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जरा आंसर करिए इस क्वेश्चन का। लिखा है इनमें से कौन सा परिवर्णी शब्द अपने पूर्ण रूप से गलत तरीके से मेल खाता है, यानी कौन सा ऐसा एब्रिविएशन है जो गलत तरीके से लिखा गया है? किसका फुल फॉर्म गलत लिखा गया है जल्दी से बताइए। यूएसबी, RFID, CRT, JPEG। और यहां से क्वेश्चन आपके कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के आंसर करिए। क्या आंसर होगा? कौन सा एब्रीवेशन ऐसा है जो गलत दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, RFID, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस। रेडियो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैच इनकरेक्टली विद इट्स फुल फॉर्म। पूर्ण रूप से गलत तरीके से मेल खाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस। फुल फॉर्म यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म, ये क्या चीज है यूएसबी? यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि यूएसबी है क्या चीज। एक मानक इंटरफेस जिसका उपयोग बाह्य उपकरणों जिसके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, बाहरी हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस गलत है क्योंकि इसका सही आंसर है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इसका सही आंसर क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आईडी। ये क्या चीज है? एक ऐसी टेक्निक जो किसी वस्तु से जुड़े टैग पर संग्रहित जानकारी को पढ़ने कैप्चर करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। अभी आप लोग अगर वैष्णो देवी जाओ, अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर यही RFID जो कार्ड है इसका यूज किया जाता है। क्या होता है? रेडियो के थ्रू जो तरंगे होती हैं उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। RFID, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, ये क्या चीज होती है? CRT जिसको हम कहते हैं। CRT पुराने कंप्यूटर मॉनिटर टेलीविजन में उपयोग की जाने वाली एक ऐसी टेक्निक है जो छवि बनाने के लिए फास्फोर लेपित स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनों को फायर करके काम करती है। JPEG का फुल फॉर्म, JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है?
जेपीईजी संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह, इन सब के एब्रीवेशन फुल फॉर्म आते हैं, इसलिए इन सब को बहुत ध्यान से याद रखिए कि जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, MP4 का फुल फॉर्म क्या है, इन सब के फुल फॉर्म आपके सामने पूछे जाते हैं। जेपीईजी आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसे ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। ज्वाइंट फोटोग्राफिक इमेज एक बार ही रिफ्रेश कर लो बेटा निधि। सीआरटी क्या चीज है, आपका यूएसबी क्या चीज है, आपका रैम रोम फुल फॉर्म, ठीक है, ईपी रोम क्या चीज है, इन सबके फुल फॉर्म एब्रीवेशन आते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से, RFID तो कंटिन्यू ही पूछा जा रहा है, तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, RFID जो इसका सही नाम है वो क्या है, RFID का रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, विच इज अ टेक्नोलॉजी डेट गिव्स रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग अटैच टू एन ऑब्जेक्ट। CRT कैथोड रे ट्यूब, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यहां पर आपके सामने आज ICT का मैं आधा सिलेबस कवर कर दूंगी, तो बहुत सोच समझ के, कितने लोग जाग रहे हैं जरा एक बार हैंड्स अप करिएगा, बिल्कुल PDF मिलेगी, जल्दी से एक बार हाथ उठाओ जो जाग रहे हैं, जो एक्टिव मोड पे हैं, और आंसर करें इस क्वेश्चन का, पाइथन क्या है अजगर, क्या है पाइथन, क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT, ICT में पाइथन का क्या मतलब होता है। USB केबल आप यूज करते हो जयश्री, मान लो आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपका फोन है, आपको अपने फोन से कोई चीज अपने लैपटॉप पे डालनी है, तो USB केबल का यूज नहीं करते हो, कोई भी अटैचमेंट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने, या फिर आपको लगता है कि हमें जो है लैपटॉप से कोई चीज अपने मोबाइल पे डालनी है, तो हार्डवेयर को कनेक्ट करता है ये USB, तार लगाते हो ना एक्स्ट्रा, एक मोबाइल पे लगती है, एक मोबाइल पे वायर लगती है, एक लैपटॉप पे वायर लगती है, जो हम लोग चार्जर वाला जो पॉइंट होता है यूएसबी वाला, वो होती है यूएसबी जो कनेक्ट करती है हार्डवेयर के साथ। मान लीजिए हमें एक माउस है, ये माउस है, मान लो ये माउस की वायर, ये क्या है, ये जो वायर है ये क्या है, यूएसबी केबल। आ रही है बात समझ में, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, बिल्कुल सही बात, कौन सी जनरेशन की है ये, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन कौन सी जनरेशन की है ये, जब हम एक कीबोर्ड को अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो एक वायर होती है, वो यूएसबी कनेक्ट करती है आपके हार्डवेयर को, आप माउस यूज कर रहे हैं, उस माउस की जो वायर है डेट इज यूएसबी, अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, आपको अपने मोबाइल से कोई चीज अपने कंप्यूटर में डालनी है, तो किसका यूज करते हैं, इसी यूएसबी केबल का यूज करते हैं, समझ गए। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये पाइथन। कितने प्रकार की होती है, एक व्याख्यात्मक उच्च स्तरीय सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, पाइथन को, हाँ इसे डेटा केबल, यूएसबी को डेटा केबल भी कह सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, डेटा केबल भी कह सकते हो, डेटा ट्रांसफर करते हो ना उससे, किसके द्वारा पाइथन का निर्माण किया गया था, तो गुइडो वैन रोसुम के द्वारा 1991 में प्रकाशित हुआ पाइथन का डिजाइन सफेद स्थान के प्रभावशाली उपयोग के साथ कोड की पठनीयता पर जोर दिया गया। मेन आप पॉइंट समझो कि पाइथन 1991 में आया, रोसुम के द्वारा आया,
इसकी व्यापक मानक पुस्तकालय के कारण पाइथन को बैटरी शामिल भाषा के रूप में परिभाषित किया गया। पाइथन, पाइथन 2.0, 3.0, पाइथन 2। पाइथन 2.0 2000 में लॉन्च किया गया। सूची की समझ, तुलना संख्या के साथ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल थी। 3.0 2008 में आया और पाइथन 2 भाषा को औपचारिक रूप से 2020 और 2015 के लिए पहले सेट में सेवानिवृत्त यानी रिटायर कर दिया गया। तो ये आपके सामने 2.0, 3.0, इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्टेटमेंट में आ सकते हैं। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेबल हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे क्या कह सकते हैं, ऑल्सो डिफाइंड एज बैटरी इंक्लूडेड लैंग्वेज। 1991 में फर्स्ट पब्लिश हुआ था। पाइथन 2.0 लॉन्च इन 2000, 3.0 2008 में। क्वेश्चन नंबर 7, अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ईमेल का क्या अर्थ है? हाँ, 2 मार्च का भी सॉल्व करवाना है बेटा, अभी पहले सिलेबस भी कवर कराना जरूरी है। फोर्थ जनरेशन है पाइथन, कंफर्म करो जरा एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कौन सी होगी, फिफ्थ जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? देखो, कहीं पर भी कोई डाउट हो कि हाँ भाई हमें लग रहा है कि पाइथन है, वो हमें लग रहा है कि फोर्थ जनरेशन है या फिफ्थ जनरेशन है, तो इसको एक बार क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करके मुझे बताना कि इसका क्या आंसर होगा। फोर्थ जनरेशन है, चलो प्रियंका कह रही है उसके पास प्रूफ है फोर्थ जनरेशन, तो पाइथन को फोर्थ जनरेशन आप लोग मानिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर चीजें ऐसी होती हैं गूगल पे, कहीं पर फोर्थ जनरेशन आता है, कभी पर फिफ्थ आता है, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए आप सभी लोग। ये कौन सी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। टॉमिलसन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया, ये तो आपको सभी को भी पता चल गया। संदेशों के आदान प्रदान के लिए बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, फिफ्थ में आएगा मरकरी ऑफ प्रोलॉग। वेरी गुड। बायोस का फुल फॉर्म CAD, एडवेक, ईपी रोम, फोर्ट्रान और GPRS, इन सबके फुल फॉर्म आते हैं, यानी कंप्यूटर के जो एब्रीवेशन है वो आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी आप लोग अच्छे से, अभी ये PDF मैं आप लोगों को दूंगी, आराम से पढ़ लेना। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, फॉर एक्सचेंजिंग मैसेजेस, लिमिटेड यूज्ड इन 1960, बट क्रेडिट गोज टू टॉमिलसन, इन्वेंटर ऑफ ईमेल इन 1971। फुल फॉर्म फोर्ट्रॉन का, फॉर्मूला ट्रांसलेशन GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ईपी रोम, एडवेक, यहां से आपके एब्रीवेशन आते हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहां से आपके एब्रीवेशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आया कि इंटरनेट की जो गति है उसको कैसे मापा जा सकता है।
मैं जल्दी ही जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं मैं अपलोड कर दूंगी वेबसाइट पे, डोंट वरी। ये किसी ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है बेटा, ये आपके आईसीटी के क्वेश्चंस हैं। जीबीपीएस, जीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट की गति को जीबीपीएस के उससे नापा जाता है। जीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट की स्पीड जीबीपीएस में मापी जाती है। 1 GBPS या 1 GB 10 गुना तेज और 1000 MBPS के बराबर होता है। मेगा बिट्स प्रति सेकेंड में, 1 MB इक्वल टू 1 मिलियन बिट्स। जीबीपीएस का फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से। गीगाबाइट पर सेकेंड, वेरी गुड। गीगाबाइट पर सेकेंड, वेरी गुड। और इसके बारे में भी ये जो डिटेल है इसको सबने पढ़ लेना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से आपको एक गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। अटैचमेंट साइज 25 MB। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये चीजें तो अभी आप पढ़ चुके हो एक बार। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हाँ, बाइनरी टू डेसिमल कल बताऊंगी बेटा, ठीक है? आज मैंने पार्ट 1 रखा है जिसमें मैंने काफी चीजें कवर करी हैं। पार्ट 2 में बाइनरी कन्वर्जन में आपको कल बताऊंगी और साथ ही आपके कल और भी जो है आईसीटी के बचे हुए टॉपिक कल करवाऊंगी। तो 2 दिन में आईसीटी को कंप्लीट करना है हम लोगों ने। मेगाबाइट्स, वेरी गुड। फिशिंग क्या चीज है? फिशिंग का क्या मतलब होता है? मछली पकड़ना हिंदी में। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। अगर हम कंप्यूटर भाषा में इसका प्रयोग करें तो इसका क्या मतलब होगा? फिशिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 2, कोई व्यक्ति वैध दिखने वाले ईमेल उपयोगकर्ता को भेजता है। समवन सेंड लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर, किस लिए भेजता है वो? उसको फंसाने के लिए। सिमिलर लुकिंग मेल्स इन जनरल, वेरी गुड। फेक मैसेजेस जिसको हम कह सकते हैं, किस लिए? कि सामने वाला बंदा उनकी बातों में आए और फंस जाए। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके मेल पे आता है कि आप लॉटरी जीत गए, लगता है ऐसा है कि हाँ भाई लॉटरी जीत गए। या फिर कभी आता है कि एसबीआई की तरफ से, कि एसबीआई ने आपको कोई लोन दिया है, आप उसको अप्रूव करिए, आप ओटीपी दीजिए। कभी कभी बैंकों की तरफ से भी इस तरीके की चीजें आती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? बैंक वाले हमेशा इस चीज को, कभी आप लोगों ने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, जब आप देखते हैं अमिताभ बच्चन जी क्या कहते हैं कि देखिए इन बातों में फंसिएगा नहीं। SBI आपको ये कहता है, RBI ये कहता है, क्या कहता है? यही सब कहता है कि कभी भी आप किसी की बातों पे या नकली संदेश पे विश्वास मत करिए क्योंकि वो एक साइबर हमला हो सकता है। फिशिंग ईमेल आकर्षक दिखते हैं। आकर्षक, ध्यान आकर्षित करने वाले ईमेल लोगों को आकर्षित करते हैं और उनकी जानकारी को चुराने की कोशिश करते हैं, हैक कर लेते हैं उनका पूरा पूरा सिस्टम, है ना? कभी आता है आप कौन बनेगा करोड़पति में सेलेक्ट हो गए, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं ये। मेलवेयर क्या होता है? एक ईमेल या प्रोग्राम जो हमलावर की इच्छाओं को लगभग किसी भी कार्रवाई को संग्रह में जा चोरी या निष्पादित करता है। मेलवेयर की आपूर्ति अक्सर एक नेटवर्क पर की जाती है। मेलवेयर क्या होते हैं? वायरसेस को कहा जाता है। फिशिंग, When a person send a fake message that appear to come from a trusted source, ठीक है? Malware is a file or program that infect, investigate, steal or perform nearly any action that an attacker desire.
क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने, आंसर करिए। फोन पर कॉल आता है, ऑफर देते हैं कि आप लोगों का, कभी कभी तो ये भी कह देते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, आप जल्दी से इस पे कुछ एक्टिविटी कीजिए, अदरवाइज जो है आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसको जो है रिप्लाई कर देते हैं या उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का जो अधिनियम है, किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11। फिशिंग का फुल फॉर्म नहीं होता बेटा जयश्री, फिशिंग का मतलब है मछली पकड़ना, शिकार पकड़ना। फिशिंग का मतलब क्या है? शिकार पकड़ना, मछली पकड़ना। कहते हैं ना, हम फिशिंग करने जा रहे हैं, फिशिंग करने जाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम मछलियों को एक चारा के रूप में केचुए या कुछ इस तरीके की चीजें दे देते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होकर ऑलरेडी आपकी तरफ आती हैं। क्या आप उनको फीड कर रहे हो? नहीं, आप तो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो लालच दे के किसी को, किसी की जानकारी या किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिशिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 2000। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में 2000 में अधिनियमित किया गया था। 2000 का आईटी अधिनियम संसद के बजट सत्र में पारित हुआ। 2000 में राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रमोद महाजन द्वारा अंतिम रूप दिया गया इसे। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। इंटरनेट कब आया? इंटरनेट कब आया? ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्टेटमेंट में, याद रखिए। जैसे यूपीएससी में आपके क्वेश्चंस आते हैं ना कि लेंथी टाइप के, कि वहां से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज करना है, सेम ऐसे ही आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इतने लंबे क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आएंगे, तो जब तक इनके बारे में डिटेल आपको नहीं पता होगी, आप कैसे सॉल्व करेंगे? किसके बारे में है? विकीज के बारे में है, फेसबुक के बारे में है, माईस्पेस के बारे में है, रिच साइट समरी यानी RSS के बारे में क्वेश्चन है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए और जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। रिच साइट समरी, RSS। अब इतने लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका मतलब है कि हमें फेसबुक के बारे में भी पता होना चाहिए, माईस्पेस, वेब सेवा, RSS, विकी, वेब सर्विस, टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो सही है। हिंदी में देखिए, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में। और जल्दी से जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, जिससे कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखा सकूं। आंसर देखिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2 और 4। ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? माई स्पेस इज वन ऑफ मोस्ट विजिटेड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड विकीज इज अ ग्रुप कोलेबरेशन सॉफ्टवेयर टूल वर्किंग ऑन वेब सर्विस टेक्नोलॉजी। विकीज कब आया था? RSS, रिच साइट सारांश, नियमित रूप से बदलती वेब सामग्री वितरित करने का एक प्रारूप है। RSS
कई समाचार संबंधी साइटें, वेब ब्लॉग, अन्य ऑनलाइन प्रकाशक अपनी सामग्री को आरएसएस फीड के रूप में सिंडिकेट करते हैं जो कोई भी इसे चाहता है। रिच साइट सारांश वास्तव में वेब सेवा तकनीक पर काम करने के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है, यानी ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कंटिन्यू अपडेट करता रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट है माई स्पेस। कब आया था ये माई स्पेस? ये क्या है? अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग साइट। 2005 से 8 तक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट थी जो प्रतिमाह 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाती थी, माई स्पेस। फेसबुक कब आया था? माई स्पेस कब आया? फेसबुक कब आया? इनके ईयर, सोशल साइट्स के जो ईयर हैं, जो वर्ष है, वो भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है ये। विकी का उपयोग तब किया जा सकता है जब भौगोलिक रूप से फैले टीम के सदस्यों को सहयोग करने की आवश्यकता हो। आरएसएस रिच साइट समरी इज अ फॉर्मेट फॉर डिलीवरिंग रेगुलरली चेंजिंग वेब कंटेंट। माई स्पेस इज एन अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक इज द बिगेस्ट सोशल मीडिया साइट, है ना। विकीज कैन बी यूज व्हेन जियोग्राफिकल डिस्पर्स टीम मेंबर नीड टू कोलैबोरेट। विकी फॉर्मेट इज गुड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन एंड गेटिंग फीडबैक फ्रॉम टीम मेंबर्स। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने www सुना था, 3 W सुने हैं, यहाँ पे 4 W दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 4 W दिख रहे हैं। 4 W का क्या मतलब है? फेसबुक 2004, जल्दी से एक बार बताइए जरा। सर्च करो, जो चीजें आपको लगता है कि हमें नहीं पता है उन चीजों को सर्च करना शुरू करिए। गूगल एंड्रॉयड फोन है ना सबके पास, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। 4 W का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। वर्ल्ड वाइड वेब WWW बर्नर्स ली के द्वारा इन्वेंटेड 1989 में आया। टिम बर्नर ली वॉज नाइटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ टू इन 2004। Which of the following is an address that specifies the location of a web page? राधे राधे हरीश, आंसर करो आरएसएस वाले। कौन सा एक पता है जो वेब पेज के स्थान को निर्दिष्ट करता है? अब इन सबके एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी जल्दी, तो पता लग जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रही है कोई चीज। फुल फॉर्म बताइएगा। 2004 में आया फेसबुक और इंडिया में आया 2006 में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DNS, HTML, HTTP, ये क्या होता है बेटा? इनके भी फुल फॉर्म बताइए। URL बिल्कुल ठीक है, एक वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध एक दस्तावेज है। एक वेब पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक सहित जानकारी हो सकती है। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL प्रत्येक वेब पेज के साथ जुड़ा होता है। एक अनूठा पता URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक अनूठा पता जो एक वेब पेज के स्थान को बताता है। URL के तीन पार्ट होते हैं, URL के तीन पार्ट होते हैं बेटा। सामने है अमृता, आपको जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन का आंसर सामने ही मिलेगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, यूआरएल के तीन भाग होते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया यूआरएल का फुल फॉर्म स्टेटमेंट नंबर वन, एंड स्टेटमेंट नंबर टू में पूछा कि यूआरएल के कितने भाग होते हैं, तो एक होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, दूसरा होस्ट नेम, और तीसरा होस्ट नेम या पता, और तीसरा होता है फाइल का स्थान। इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए किसी का फुल फॉर्म पूछ लिया, साथ ही उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन पूछ लिया। एक प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल का एक मानकीकृत नाम होता है, जिसको हम कहते हैं ना, आपने कभी कभी देखा होगा HTTPS करके, आपने कभी कोई वेबसाइट देखी है HTTPS ऐसे करके बना होता है ना, ये प्रोटोकॉल है। होस्ट तुरंत प्रोटोकॉल परिभाषा के बाद में आता है। होस्ट मतलब मान लीजिए अगर हमारा यूट्यूब पे चैनल है तो वो होस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आईपी एड्रेस का पता, यानी अगर हमारा इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी है तो फिर हमारा एड्रेस शो करेगा। यूआरएल का फाइल भाग सर्वर पर संसाधनों के स्थान को परिभाषित करता है। यूआरएल को दर्शाया जाता है पहला प्रोटोकॉल, फिर डोमेन नेम, निर्देशिका, संसाधन। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS सुरक्षित हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP क्या होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे देख सकते हैं सबसे पहले क्या आया, प्रोटोकॉल नेम, होस्ट नेम, है ना, फिर आपका मान लीजिए जो आपकी जिस स्थान पे आपका है, आपका बना हुआ है, उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। तो डायरेक्टली ये चीज आपके हर एक यूआरएल में होती होती है। DNS डोमेन नेम सिस्टम आईपी पते को एक डोमेन नेम में अनुवादित करता है। पदानुक्रम नामकरण प्रणाली भी प्रदान करता है, जैसे डोमेन हो गया .com, .com किसके लिए यूज होता है, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, डोमेन, सब डोमेन, रिसोर्स लोकेटेड। वेरी गुड प्रियंका, .com किसके लिए यूज होता है, जल्दी से बताएंगे, .com किसके लिए यूज होता है, .edu किसके लिए यूज होता है, .gov किसके लिए है, .net किसके लिए है, और .org किसके लिए है। एक मैचिंग में हर बार पूछा जाता है कि बताइए ये किससे संबंधित है, कंपनी से रिलेटेड, चक्ष कौन सा कंपनी से रिलेटेड है, .com, वेरी गुड, एजुकेशन से .edu, और बताइए, .gov गवर्नमेंट, .net नेटवर्क प्रदाता, .org गैर वाणिज्यिक संगठन, .in इंडिया, .in इंडिया के लिए यूज होता है। आपका HTML ब्राउजर को स्क्रीन पर टेक्स्ट कैसे प्रदर्शित करना चाहिए, HTML का प्रयोग करके बताया जाता है। टेक्स्ट और पैराग्राफ, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, इमेज, अन्य दस्तावेज, वेब पेजों से लिंक करना, टेबल बनाना, फॉर्म, इमेज, ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, वेब पेज में। HTTP 1990 से वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार की नींव है HTTP, ठीक है, इसको आपने सबने पढ़ लेना है अच्छे से, सबका डिटेल लिखा है। उस डिटेल को कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए पहले क्या लिखा, दूसरे में क्या लिखा, कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, या इस तरीके की मैचिंग आ जाती है, बताइए ये जो डोमेन नेम है किससे संबंधित है, या फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। मोबाइल डिवाइस इसेंशियली अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर, डेस्कटॉप पीसी क्या होता है, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीसी, इन सब के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा है, पढ़ लेना एक बार। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सी है, ठीक है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट का मतलब क्या है, जो जिससे आप कोई चीज सुन सकते हो, मान लीजिए गाने सुनने हैं, तो हम कौन से फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट। साइट से PDF डाउनलोड नहीं हो रहा, अभी मैं दिखाती हूं कैसे डाउनलोड नहीं हो रहा बेटा।
MP3, MPEG-1 ऑडियो लेयर 3। MIDI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? MP3, वेरी गुड। MP3, MIDI, WAV। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सी है, इमेज फाइल फॉर्मेट किस लिए कहाँ पे है, क्या यूज है। जैसे कि अगर पूछ लिया MP3 में क्या क्या आता है, ऑडियो फॉर्मेट है, बिल्कुल ठीक बात है, डिजिटल ऑडियो स्टोरेज एंड शेयरिंग होता है इसमें, लेकिन MP3 में किस तरीके की चीजें आती हैं? तो म्यूजिक फाइल, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक। मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग म्यूजिकल नोट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्लेइंग म्यूजिक। जैसे कभी आपने देखा होगा कि पियानो होता है, पियानो में क्या होता है कि आपको एक लिखा होता है फाइल फॉर्मेट, क्या मतलब एक फॉर्मेट होता है, उसको बजाने का भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी के आधार पे आप पियानो बजाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड, सिंथेसाइजर, परफॉर्मेंस, कंप्यूटर जनरेटेड म्यूजिक। वेव का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन से फाइल फॉर्मेट में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, उनके फुल फॉर्म क्या है? जैसे कभी पूछ लिया कि .wav वेब, वेब का फुल फॉर्म क्या है? वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। अब कहाँ पे यूज होता है? प्रोफेशनल ऑडियो प्रोडक्शन में यूज होता है। साउंड इफेक्ट, रिकॉर्डिंग, स्पीच किसके अंतर्गत आती है? वेब के अंतर्गत आती है। वेरी गुड काजल, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। ये हो गई ऑडियो फाइल फॉर्मेट। AAC, AAC का क्या मतलब है? एडवांस ऑडियो कोडिंग। इसमें क्या आता है? म्यूजिक फाइल, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स। फिर आता है वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? आप एक चीज बताइए, किसी भी बुक में आप सर्च करेंगे, आपको ये कंटेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला, कहीं पर भी इतनी सारी जानकारी शॉर्ट में नहीं दिखेगी। तो आप ये समझो कि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। किसको किसको लग रहा है कि इस PDF को भाई बहुत जरूरी है मिलना और ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं, किसको किसको लगता है एक बारी हाथ उठाना, रेज योर हैंड अगर आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं ये एग्जाम में आ रही हैं और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। किसको किसको लग रहा है ये? क्या फुल फॉर्म, डेफिनेशन, यूज, एग्जाम्पल, ये कहीं मिलते हैं? चक्ष बेटा, कहीं मिलते हैं? ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी बड़े से बड़े राइटर के पास भी चले जाएंगे वो भी इतना डीपली नहीं लिखेगा। और यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। कई ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्सेस नहीं है, पता नहीं है उनको। थैंक यू प्रियंका, काजल, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे डाउनलोड करना है। चक्ष, है कि नहीं बेटा इंपॉर्टेंट? AVI का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए कि वीडियो फाइल फॉर्मेट, तुरंत आपको याद आना चाहिए, अच्छा AVI मैम ने बोला था, MP4, MP3 ऑडियो फाइल था, MP4 वीडियो फाइल फॉर्मेट, कंफ्यूजन दूर। MKV, MOV, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, MP4, MPEG 4 पार्ट 40, मच्को का वीडियो क्विक टाइम मूवी, MOV किसके लिए यूज होता है? मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमेटेड शॉर्ट बनाने हैं या वीडियो क्लिप्स बनानी है, मान लीजिए आपको एक YouTube पे एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनानी है, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? AVI, मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक वीडियो, MP4, वीडियो स्टोरेज एंड प्लेबैक, मूवी टीवी शोज एनिमेशन, MKV, मूवीज टीवी शोज म्यूजिक वीडियोस, MOV, एंड ऑल्सो डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन
एब्रीवेशन। अब क्या करते हैं ये लोग, वीडियो फाइल फॉर्मेट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, या तो इनकी मैचिंग पूछ ली या फिर पूछ लिया कि बताइए एवीआई का अब्रिवेशन ये है, उसकी डेफिनेशन क्या है या उसके एग्जाम्पल क्या है। तो अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी। इमेज फाइल फॉर्मेट, अब जल्दी से बताइए इमेज फाइल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। यानी अगर हमें कोई पिक्चर कहीं सेव करनी है, वही मैं कह रही हूं, अगर हम बुक लेके बैठेंगे ना, हमारे पास बड़े से बड़े राइटर की बुक होगी, अगर हमें कोई समझाने वाला नहीं है तो हमें वो चीज नहीं समझ में आएगी। हमें कैसे समझ में आएगी जब उस चीज का डिटेल हमारे पास होगा। ठीक है, ऑडियो क्लियर हुआ, वीडियो क्लियर हुआ, इमेज, अगर हमें इमेज को सेव करना है तब हम क्या यूज करेंगे, किस फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, वेरी गुड जॉब। जेपीईजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट, जीआईएफ और बीएमपी। याद रखिए, मान लीजिए इन्होंने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी, एक तरफ लिखा है MP3, एक तरफ लिखा है MP4, एक तरफ लिखा है PNG, या एक तरफ लिखा है मान लो वेव। ठीक है, फिर इन्होंने कहा बताइए इनमें से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सी है। तो अगर आपको पता होगा भाई PNG का मतलब, भाई PNG क्या चीज है, हाँ भाई पता है हमें, इमेज फाइल फॉर्मेट आराम से कर लेंगे। अब JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, फोटोग्राफिक इलुस्ट्रेशन यहाँ पर। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, लोगो आइकन वेब ग्राफिक। GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। एनिमेटेड ग्राफिक, मेमेज। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि मान लीजिए कोई मेमेज है या कोई आइकन है, उसको हम किस फॉर्म में रखते हैं, तो GIF। हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, डिजिटल आर्ट वर्क, कहाँ पे आता है, BMP। लार्ज फाइल साइजेस, इनके फुल फॉर्म आते हैं, साथ ही इनकी डेफिनेशन आती है, इनका यूज इसके एग्जाम्पल। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑडियो फाइल वीडियो फाइल, पढ़ना आपका काम है। छवि यानी आपका इमेज फाइल फॉर्मेट। ग्राफिक को अगर हमें सेव करना है तो किसमें सेव करेंगे, JPEG तुरंत, GIF तुरंत। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज यूज। हमारे लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, कंप्यूटर में कोई भी हानिकारक चीजें नहीं आनी चाहिए, कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई उसका गलत यूज ना करे। तो इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, अगर मैं कहूँ कंप्यूटर का सिक्योरिटी दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, 30th of November। इट इज ऑल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी डे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर लिटरेसी डे, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। वेरी गुड जॉब, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। ठीक है, याद रखिएगा 2 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, सेफर इंटरनेट डे 9 फरवरी, कंप्यूटर सुरक्षा, कंप्यूटर सिस्टम सूचनाओं को नुकसान, चोरी, अनाधिकृत उपयोग से सुरक्षा के लिए 30 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जिसे हम साइबर सुरक्षा दिवस भी कहते हैं, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर।
अब एक और क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइज ऑफ, यहां पर आईसीटी में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में क्या क्या चीजें शामिल हैं? ऑल, वेरी गुड। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है ना, कंप्यूटर और आवश्यक उपकरण का सूचना का उपयोग करके सूचना प्रौद्योगिकी दूर संचार प्रणाली का एकीकरण करना होता है, यानी एक साथ उनको हमने जो बना दिया तो वो उसी में आ गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शोध, ये सारी चीजें ही आती हैं। ऑनलाइन सीखना, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल पे भी काम करें तो किसका यूज करें? इसी का यूज करें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। विच नंबर सिस्टम इज यूज टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने, गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए गीता, आंसर करो बेटा। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? बाइनरी। बाइनरी, बाइनरी संख्या कौन सी होती है? कंफ्यूज तो मैं भी हो गई हूँ भारतीय, मुझे खुद नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है। मैं खुद इतने क्वेश्चंस मैंने बनाए और क्योंकि थ्योरी भी डाल दी तो मुझे खुद नहीं पता। चलो, ये तो आपने बताया बाइनरी, तो आप मुझे क्या इन सब के बेस बता सकते हो? इन सब के क्या आप बेस बता सकते हैं हमें? जीरो वन, ठीक है। बाइनरी का मतलब है कि कंप्यूटर समझता है जीरो और वन, यानी इसका बेस हो गया टू। ऑक्टल का क्या है? जीरो और वन में ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सारे कुछ। ऑक्टल का बेस कितना है? ऑक्टल का मतलब आठ संख्या, मींस एट। डेसिमल का मतलब है दस, आपका 10। हेक्साडेसिमल का मतलब है 16। सबके बेस याद रखिएगा, क्योंकि जब आपका बाइनरी टू डेसिमल आता है, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी या फिर आपका ऑक्टल टू बाइनरी, तो वहां पे आपको बेस से ही सारी चीजों को पता करना होता है, कन्वर्जन करना होता है। वन 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 लिखा है, मान लीजिए ये लिखा है बाइनरी, क्या कोई इसका डेसिमल बता सकता है? डेसिमल मतलब वो लोग लिखेंगे ये, अगर मान लीजिए डबल वन लिखा है, क्या इसका कोई डेसिमल बता सकता है? कल सब पढ़ के आना, बाकी मैं करवाऊंगी, टेंशन नॉट। कल बाइनरी कन्वर्जन कराना है मुझे। अष्टभुजाकार आठ आधार है, जीरो से सेवन तक का यहाँ पे संख्या आती है। दशमलव या डेसिमल में 10 नंबर तक आते हैं, किसके किसके बीच होता है मान? 0 से 9 के बीच में। हेक्साडेसिमल बेस है 16, 0 से 9 और ए से एफ कितने आते हैं यहाँ पे संख्या? हेक्साडेसिमल में 16, जिसमें 0 से 9 और उसके बाद ए से एफ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पे सी का क्या होगा,
सी को कितने नंबर से हम शो करेंगे, तो क्या बताएंगे आप हेक्साडेसिमल में? हेक्साडेसिमल में सी की वैल्यू कितनी होगी? हिंदी में पढ़े तो बेस ऐसे ही याद हो जाएगा, बिल्कुल। जीरो से नाइन के आगे बनाते चले जाओ। सी का कितना होगा? 12। हेक्साडेसिमल में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अरे भाई, जीरो से नौ तो इन्होंने बोल ही दिया पहले ही है, यानी ए को हमने माना 10, बी को माना 11, सी को मानेंगे 12, तो सी तो 12 हो गया ना। 13 कैसे हुआ गीता? सी हो गया 13, डी हो गया 13, ई हो गया 14, एफ हो गया 15। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है ना, क्योंकि 16 है, 0 से 9। अच्छा, ये तो 0 भी तो माना गया, 0 से 9 हो गया, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई एफ, सही है कि नहीं है भाई? 12। ठीक है, तो ये आपके बाइनरीज मैं कल भी करवाऊंगी आप लोगों को, किस तरीके से बाइनरी कन्वर्जन होना है, किस तरीके ऑक्टल निकालना है। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आईसीटी में क्या क्या चीजें आती हैं जरा एक बारी बताना। तो जीरो को काउंट करेंगे तो 0 से 9 तो 10, 0 से 9 10 होगा। अच्छा, रुको 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 भाई, अगर हम, एक मिनट, सही कह रही हैं ये, एक मिनट, सही कह रहे हो भाई। अगर हम जीरो से कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, यहां तक तो 10 हो गया, क्योंकि जीरो को भी तो काउंट करेंगे। फिर हम ए को मानेंगे 11, बी को मानेंगे 12 और सी को मानेंगे 13, क्योंकि 0 से 9 तक तो 10 हो गया ना, तो 10 के आगे 10 12 13, वही तो मैं कहूँ, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। ई हो गया सी डी ई एफ 15, एफ हो गया 16। हाँ अब ठीक है, अब हो गए 16 नंबर, सही बताया बिल्कुल बेटा, क्योंकि 0 से 9 तक तो 10 नंबर ऑलरेडी हो गए ना। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेना, क्या क्या चीजें आती हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट एक्सेस, डेटा ट्रांजेक्शन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। चलिए इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिस्टम एकीकरण, लौकिक विघटन, स्थानिक एकीकरण, हिंदी में इंग्लिश में इसको पढ़ लेना अच्छे से, क्या होता है। सिस्टम इंटीग्रेशन, टेम्पोरल डिसइंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन, कम क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन से लेकिन आते हैं। इंफॉर्मेशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? संसाधित डेटा यानी प्रोसेस्ड डेटा। संसाधित डेटा, सूचना क्या है? प्रोसेस्ड डेटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर टू, संसाधित डेटा। सूचना डेटा, ये संसाधित डेटा है, संदर्भ प्रासंगिकता और उद्देश्य वाले होते हैं, कच्चे डेटे का हेर फेर होता है, ये आपका इंफॉर्मेशन, जब उसको हम अच्छे से डेवलप करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? इज अ सेट ऑफ डेटा डेट इज अ प्रोसेस इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक है, ये इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक म्यूजिक प्लेयर है, उसकी स्टोरेज क्षमता है 8 GB, MP3 फॉर्मेट में गानों को स्टोर कर सकता है। औसतन प्रत्येक MP3 गीत 4 MB संग्रहण स्थान करता है, तो म्यूजिक प्लेयर पर अधिकतम कितने गाने स्टोर किए जा सकते हैं? डेटा हमेशा कैसा होता है? रॉ होता है, रॉ को ही जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बनती है। गीता,
बिल्कुल बेटा, मैंने आपका भी देखा, सबका देखा, और सभी को ही मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन क्योंकि इस समय सिलेबस पे भी कवर करना है, टाइम कम है, 2 दिन में मुझे आईसीटी कंप्लीट करनी है, इसलिए अगर मैं किसी के मैसेज को नहीं पढ़ पा रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे माफ करना यहाँ पे, ठीक है? एक बार सिलेबस कवर हो जाए, फिर आराम से बात करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए। अभी पीडीएफ का भी मैं बताऊंगी कैसे कहां से डाउनलोड होगा, डोंट वरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2048। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2048। कैसे हुआ 2048? इन्होंने क्या कहा? म्यूजिक प्लेयर की स्टोरेज क्षमता है 8 गीगाबाइट की। एक MP3 गाने का आकार है 4 मेगाबाइट। सबसे पहले भंडारण क्षमता को गीगाबाइट से मेगाबाइट में बदलते हैं, तो गीगाबाइट को या मेगाबाइट में बदला, कितना हुआ? 1024। और कितने गीगाबाइट है? 8। तो 8 × 102 कितना हुआ? 8192 मेगाबाइट। तो अगला, म्यूजिक प्लेयर की कुल भंडारण क्षमता को प्रत्येक गीत के आकार से विभाजित करिए, यानी कितने गीत की क्षमता है? सॉन्ग की 4 मेगाबाइट, तो 4 मेगाबाइट से उसको डिवाइड करेंगे 2048। कितना हो जाएगा? 2048। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को निकालना है। यहाँ पर अभी आप गीगाबाइट मेगाबाइट देख रहे हैं, यहाँ पर अभी म्यूजिक की बात हुई है, कभी कभी इमेजेस की भी चीजें आती हैं, तो आप इस तरीके से इन एग्जाम्पल को अच्छे से टैली कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 20 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर। एक कैमरे का जो स्पेसिफिकेशन क्या होता है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा, मान लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन इसके हिसाब से दिया गया है, ये देखिए। एक डिजिटल कैमरा है, कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर। द कैमरा स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि 20 मेगा पिक्सल। ये भैया ये क्वेश्चन है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसको देखिए जरा ध्यान से। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा देन हम कैसे सॉल्व करेंगे? हिंदी में देखिए इसे। एक डिजिटल कैमरे में एक प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। कैमरे के विनिर्देश में शामिल होता है कि 20 मेगापिक्सल संकल्प, 32 जो गीगाबाइट है मेमोरी कार्ड, ऑटो फोकस सुविधा। यदि एक कंप्रेस की गई छवि फाइल के लिए औसतन 1 बाइट प्रति पिक्सल की आवश्यकता होती है, तो मेमोरी कार्ड में अधिकतम कितनी फोटो संग्रहित की जा सकती हैं? अगर 1 किलो बराबर होता है 1024 के। हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में भी देख लीजिए, तुक्का लगा के आएंगे। अब आप खुद देखिए कैसे क्वेश्चन है। एक पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अभी तो सिर्फ ये है, कल मैं आपको जो MS Excel के क्वेश्चन आते हैं वो भी दिखाने वाली हूँ, तो कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो तो पता चलेंगे ही चलेंगे, साथ ही एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं जो आ रहे एग्जाम में उसको भी बताने वाली हूँ, कन्वर्जन को भी बताने वाली हूँ, तो कल की क्लास भी लॉन्ग होने वाली है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 1638। ऑप्शन नंबर 1 1638 होगा। एक्सेल के फॉर्मूले भी तो आ रहे हैं, ये कैसे भूल सकते हैं। मेमोरी कार्ड की क्षमता कितनी बताई थी? 32 गीगाबाइट। कन्वर्ट करेंगे मेगाबाइट में तो कितना हो जाएगा? 1024 मेगाबाइट।
मल्टीप्लाई किया 32768, प्रत्येक फोटो के लिए 20 मेगाबाइट स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। मेमोरी कार्ड में स्टोर की जाने वाली फोटो की अधिकतम संख्या 32768 किससे डिवाइड किया, 20 मेगाबाइट प्रति फोटो, आया कितना 1638। चूंकि हम फोटो का एक अंश भी स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए मेमोरी कार्ड में अधिकतम 1638 फोटो स्टोर किए जा सकते हैं। इस तरीके के ये ट्रिपल सी वैशाली, इस समय जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे इस समय एनटीए उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आप अगर ट्रिपल सी की बात करें हैं, कंप्यूटर कोर्सेज की बात करें, तो यस यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। एमएस ऑफिस अगर आप जानते हैं, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, आपका ये कंप्यूटर का जो ये आपका स्टोरेज है, ये सारी चीजें पूछी जा रही, ये पूछी जा रही हैं, इसलिए ये चीज बताई जा रही है आपको। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फर्म में जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहां पे वो आपका ट्रिपल सी का ही एक्सेप्ट करते हैं सर्टिफिकेट, उसको मान्य माना जाता है ना। एक क्वेश्चन और आता है .RAR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? .RAR फुल फॉर्म बताइए, पढ़ के बताइए, कोई टेंशन नहीं है कि आपको बिना देखे बताना है, सामने ही लिखा है आपको उसको देख के बताना है। रार का सही विस्तार है रोशल आर्काइव, इस बार के यानी 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि रोशल शब्द उस व्यक्ति के नाम को संदर्भित करता है जिसने प्रारूप में प्रयुक्त संपीड़न एल्गोरिथम को बनाया था। रीडेबल आर्काइव विस्तार गलत है और सही आंसर है रोशल आर्काइव। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, वेब पर छवियों के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइल फॉर्मेट। CSS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रोशल आर्काइव, इस बारी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि RAR का फुल फॉर्म क्या होता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये एक स्टाइल शीट भाषा है जिसका उपयोग मार्कअप भाषा में लिखे गए दस्तावेज की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। JPEG संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या चीज है ये, कंफ्यूजन तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता इंग्लिश या हिंदी, तो यहां पर आप सभी को सब कुछ समझ में आएगा। आंसर करिए जरा इस क्वेश्चन का, अल्पिका एग्जाम आ रहा है बेटा, और ऐसे में इस समय टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है। अभी तो फिर भी मान लीजिए दिमाग में बाउंस मार भी रहा है, ठीक है, तो भी हमारे पास टाइम है कि हमने पीडीएफ उठाया, पीडीएफ उठा के हमने पढ़ लिया, फिर भी हमारे पास टाइम है। बट जैसे जैसे एग्जाम नियर होगा, आपका एग्जाम पास में होगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आने ही बंद हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू सपोर्ट इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट डेट आर सोशली रेलिवेंट, लोकली नीड बेस्ड, नेशनली इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट। CSS used in web development. Very good. इन सब के फुल फॉर्म आते हैं, क्या कोई बता सकता है इन सब के फुल फॉर्म? सही आंसर है स्ट्राइड। इन सब के फुल फॉर्म बता सकता है कोई? एग्जाम में आते हैं हमेशा।
स्ट्राइड, सही आंसर। यूजीसी की पहल स्ट्रीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, स्ट्राइड। स्ट्राइड योजना कॉलेज विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति नवाचार को मजबूत करेगी और सहयोगी अनुसंधान के मदद से छात्रों और शिक्षकों को भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए मदद करेगी। स्पार्क, इसका फुल फॉर्म एकेडमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल। उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्थानों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच अकादमिक अनुसंधान सहयोग की सुविधा के द्वारा भारत के उच्च शैक्षिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना। छाप क्या चीज होती है? इम्प्रेस। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सामाजिक विज्ञान में नीति अनुसंधान को बढ़ाने के लिए इम्प्रेस यानी कि इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस नामक एक योजना शुरू की। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को इम्प्रेस योजना के कार्यान्वयन और निगरानी का काम सौंपा। मूल विचार किससे संबंधित है? स्टार, जिसे हम कहेंगे सितारा हिंदी में, भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर द्वारा कार्यान्वित प्रबंधित की जाने वाली विज्ञान में ट्रांसलेशनल भारत केंद्रीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान में परिवर्तनकारी उन्नत अनुसंधान की योजना है स्टार्स। सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान का समर्थन करने के उद्देश्य से 6 प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों में, जो कि भौतिक, रसायन, जैविक, नैनो, डेटा विज्ञान, गणित और पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत आता है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है और आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर फॉर्म फिल कर दिया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फिर दिसंबर वाला एग्जाम दो। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो जून वाला दो। किस लिए? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो जरूर एग्जाम देने जाओ। इम्प्रेस, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, इम्प्रेस का फुल फॉर्म। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चंस यहाँ के, ये एब्रीवेशंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, या तो स्टेटमेंट में या तो फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इसके बारे में कि क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। आईसीटी, यही सब है आपका आईसीटी। स्टार, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एडवांस रिसर्च इन साइंस, स्टार्स। एनईपी 2020, 29 जुलाई 2020 को एनईपी की प्रमुख झलकियां, या हम कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़ लेना, ये भी पीडीएफ में डाल दिया है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, की पॉइंट्स हैं जिसको मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपसे क्यूआर के बारे में पूछ लिया तो क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके बारे में जरा एक बारी बताइए। क्यूआर सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? इतनी तैयारी के बाद भी क्या हुआ? टेंशन ना लो, क्योंकि बाकी चीजें तो कवर कर ही ली हैं, थोड़ा जो बचा है उसको भी जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स। वेरी गुड काजल, क्विक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये काले और सफेद वर्गों से बना एक द्वि आयामी मैट्रिक्स मशीन पठनीय बारकोड है, सही है कि नहीं? इसका उपयोग यूआरएल अन्य सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो सीधे पाठ, ईमेल, वेबसाइट, फोन नंबर से जुड़े हैं। यह 7089 अंकों तक स्टोर कर सकता है। क्विक रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक बात है। क्यूआर के बारे में आप हमेशा यूज कर दो, कहां पे यूज होता है क्यूआर का कोड? क्या आप बता सकते हो कि क्यूआर कोड आप कहां कहां यूज करते हो? इसका पीडीएफ हमारी वेबसाइट से मिलेगा बेटा। क्यूआर कोड का कहां कहां इस्तेमाल होता है? एरोप्लेन की तरह उड़ जा रहे हैं, और अभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपने देखे ही नहीं है। अभी जो मैंने 2023 का फरवरी मार्च का क्वेश्चन पेपर है
उसके आईसीटी तो मैंने कराई नहीं अभी। हालांकि ये क्वेश्चन उसी से ही है, ये क्वेश्चन नए पैटर्न पर ही है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अगर एक्चुअल में जो उनकी लैंग्वेज है अगर आप वो देखोगे तो कहोगे मैम करें क्या। सही आंसर देखो, ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 यानी ये सारी ही चीजें सही हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हैं। QR क्योंकि हम डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स। डेंसो वेव ने किसने बनाया है, डेंसो है ना, इसके बारे में पूरा और अच्छे से पढ़ लेना। QR कोड किसके द्वारा बनाया गया, इसमें कितनी संख्या है, उसके अलावा वाईफाई, बिटकॉइन, सादे पार्ट, वी कार्ड है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो दोनों पढ़ लेना। ईमेल, वाईफाई के बारे में भी पूछा जाता है आपका, टू डायमेंशनल कौन सा है, QR, क्विक रिस्पॉन्स, 7089 डिजिट और 4296 कैरेक्टर। QR में कितने कैरेक्टर स्टोर होते हैं, हर फील्ड में होने लगा है। आपको अगर आज की डेट में किसी को पेमेंट करनी है, आज की डेट में मान लीजिए आप मेट्रो स्टेशन पे हो, मेट्रो स्टेशन पे जब आपको पास करना है सिक्योरिटी गेट, मेट्रो पे जाते हो वहां पर भी आपने क्या होता है, आपके पास कार्ड होता है जो उसमें भी QR कोड बना होता है, उसी को वो स्कैन करते हैं। कितने कैरेक्टर शामिल होते हैं इसके अंतर्गत, देखा जाए तो 7089 डिजिट या फिर 4296 कैरेक्टर्स QR कोड में समाए जाते हैं। वाईफाई, बिटकॉइन, प्लेन टेक्स में कितने कैरेक्टर होते हैं, 300 कैरेक्टर। जैसे कि इस बार ट्विटर के बारे में पूछा था कि ट्विटर में मान लीजिए हमें कोई ब्लॉग लिखना है तो उसके लिए हमें कितने कैरेक्टर का यूज करना है। हर जगह पे इसका यूज होता है, तो हमें ये चीज देखो, हम लोग कहते हैं कि NTA UGC नेट का जो सिलेबस है वो ये कहता है कि हम जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, तो क्या आपको लगता नहीं है ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, जो हम डेली बेसिस पे जिस चीज का यूज कर रहे हैं हमसे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाइट लाइन को स्कैन किया जाता है, ठीक है ना, बार कोड, QR कोड, आपका ट्विटर पे ब्लॉग जो लिखते हैं वो कितने कैरेक्टर का होता है, वी कार्ड क्या चीज होती है, ईमेल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैट्रिक्स का प्रयोग होता है QR में, 7089 डिजिट। उसके अलावा लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं आपके, LMS के थ्रू, गूगल क्लासरूम, किसके द्वारा बनाया गया गूगल क्लासरूम। अब हैबिचुअल हो गए सब लोग, कभी कभी LMS का फुल फॉर्म आता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, गूगल के द्वारा बनाया गया, असिस्ट डिजिटल लर्नर विद ऑनलाइन लर्निंग। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, गूगल क्लासरूम दे दिया और उन्होंने पूछा बताइए गूगल क्लासरूम के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, तो क्या बताओगे। गूगल मीट किसके लिए यूज होता है, इसमें जो इंटरेक्शन होता है सिंक्रोनाइज होता है या असिंक्रोनाइज होता है। बताओ भाई, सिंक्रोनाइज होता है जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है या सिंक्रोनाइज होता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS, गूगल क्विज में क्या क्या चीजें होती हैं। मान लीजिए आपसे कहा ठीक है आप मान लीजिए गूगल क्विज है, किसके थ्रू कर सकते हैं, गूगल फॉर्म, यूजफुल फॉर टीचर टू असेस द लर्निंग आउटकम, गूगल जैम बोर्ड, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन से गूगल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट और एजुकेटर के बीच में इंटरेक्शन करता है जैम बोर्ड, गूगल डेवलप डिजिटल इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है ये, एक ब्लैक बोर्ड भी है एप्लीकेशन, किसी ने सुना है ब्लैक बोर्ड के बारे में।
ऑनलाइन देखिए हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज हमारे जो पार्लियामेंट है संसद का उद्घाटन भी किया गया, पार्लियामेंट जो हमारी नई बनाई गई, ठीक है, संसद को नया बनाया गया। अगर आज आपने देखा होगा न्यूज में तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा हो उसमें तो हर एक, पहले क्या था, किसी के भी चेयर के पास या जो उनकी सीट होती थी कहीं पर भी लैपटॉप नहीं लगा था, सिर्फ माइक लगा होता था। लेकिन आज के टाइम में सबकी, जितनी भी सीटें मैंने देखी आज, सबके सामने लैपटॉप टैबलेट लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट में भी जितने भी लोग हैं वो सब भी किसका यूज करें, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो जब वहां प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो जब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिसर्च के फील्ड पे जाएंगे, आप लेक्चरर बनेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो क्या आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप उस चीज के लिए अपडेटेड हो या नहीं? 100% किया जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि आप बताइए गूगल क्लासरूम किसके लिए होती है? आप टीचर हो, आप पढ़ रहे हो, आपको आगे पढ़ाना है, गूगल मीट के बारे में क्या जानते हो? गूगल प्रश्नोत्तरी, गूगल फॉर्म के बारे में आप क्या जानते हो? गूगल जैम बोर्ड, आपको अपडेटेड होना जरूरी नहीं है। कोई कैंडिडेट आपसे कहता है कि भाई आप बताओ जरा, हर सीट पर डिस्प्ले लगी है। सोचिए आप कि हमारा जो इंडिया है, बहुत सारे लोगों ने, हाँ बहुत सारे अपोजिशन पार्टी वालों ने बोला कि बेकार है, लेकिन आप कभी अमेरिका चले जाओ, बाहर फॉरेन में चले जाओ, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं ना, उस समय जब वो उस पार्लियामेंट में होते हैं ना, और हर एक के पास टैबलेट रखा होता था, तो लगता था कि बाहर के देश टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और अब वही टेक्नोलॉजी जब पीएम मोदी लेकर आ रहे हैं तो भाई काय को हल्ला, टेक्नोलॉजी की तो बात है ना। तो इसलिए आपको भी अपडेटेड होना पड़ेगा इन चीजों के लिए। ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, जरा देख के बताएंगे। सोशल मीडिया की हिस्ट्री है 78 से 85। यहां पर सोशल मीडिया 78 से 2015 सबसे पहले बुलेटिन बोर्ड सिस्टम लॉन्च किया गया था, कब? 1978। गूगल डॉट कॉम रजिस्टर्ड हुआ 1997। ब्लॉगर 1999 में। आपका लिंक्डइन, आपका है ना, ये सब कब आए हैं? 2003 में। फेसबुक 2004 में। कैट स्टार, येल्प, ये सारी चीजें आई। यूट्यूब कब आया? यूट्यूब कब आया? यहां पे देखिए 2005, ये देखिए याहू बाइस फ्लिकर, याहू ने फ्लिकर को खरीद लिया था। 2005 में आया यूट्यूब, फेसबुक आया 2004 में। लेकिन फेसबुक जनता के लिए कब खुला था? 2006 में। टम्बलर, ट्विटर, ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक ने खरीदा, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, बाइस वाइन को, फिंड्री को, लॉन्चेस एज अ पिनव्हील, ट्विटर बाय पेरिस्कोप, ट्विटर ने पेरिस्कोप को खरीदा। ये सोशल मीडिया से जुड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, कौन कब हुआ, किस सन में कौन सी चीज आई, माई स्पेस कब आया, माई स्पेस अभी चल रहा है क्या, ट्विटर 2006, माई स्पेस जो अमेरिकन कंपनी थी इस समय नहीं चल रही है, माई स्पेस को बंद कर दिया गया है। ब्लॉगर 1999, ईमेल, अर्पानेट कब आया, रेडियो कब आया, टेलीफोन कब आया, टेलीग्राफ, सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन
अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन में बात करें सॉफ्टवेयर की, स्टडी मटेरियल के लिए कौन कौन सी चीज़ है, ई रीडर, इंकलिंग, म्यूजिक प्रोग्राम्स, गेम के लिए पजलिंग सॉल्विंग, असिस्टेंट किड्स गेम, क्रिएटिविटी के लिए क्या चीज़ आई, रेफरेंस के लिए क्या आया, कोलैबोरेशन के लिए क्या आया, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, सॉफ्टवेयर का कहाँ कहाँ पे कहाँ कैसी चीजों का यूज किया गया कहाँ पे। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी, उसके आंसर करने हैं आपने। पहली जनरेशन का जुलेखा आंसर करना बेटा, जयश्री बेटा किसी एक बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, यही तो टेंशन है। आप लोगों को जो चीजें मैं पढ़ाती हूँ सिर्फ एक बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, बुक से सर्च करती हूँ, गूगल पे सर्च करती हूँ, बहुत सारी विकिपीडिया को मैं यूज करती हूँ। कंटेंट जो एनटीए इस समय डाल रहा है वो अलग कंटेंट है, डिफरेंट है, और उस डिफरेंट के लिए मैं आप लोगों का सिलेबस डेली बेसिस पे अपडेट करती हूँ, और किसी भी बुक में आपका अपडेटेड सिलेबस नहीं है। थैंक यू विशाली। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कब आई थी जल्दी से बताइए। फर्स्ट जनरेशन आई थी 1952 से 1959। कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट यूज किया, वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया। आपके सामने ठीक है मशीन लैंग्वेज यूज की गई, बहुत बड़ा साइज होता था, जो पहले कंप्यूटर आया हाईली एक्सपेंसिव होता था, हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था। पहले कौन सा कंप्यूटर आया अगर आपसे पूछा गया, बताइए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है। एनियक, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक, आईबीएम 701। सेकेंड जनरेशन 1959 से, पहली कब आई 1952 से, सॉरी 1949, फिर आई सेकेंड 1959 से 1965। इसमें क्या था, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। कौन सी लैंग्वेज थी अगर हम बात करें, बैच प्रोसेसिंग होती थी, एक्सपेंसिव था, फोर्ट्रान और कोबोल आई सेकेंड जनरेशन में। कंप्यूटर आईबीएम 7000, नेटलेस, एनसीआर, हनीवेल। कभी कभी ये लोग कंप्यूटर का नाम पूछ रहे थे कि बताइए ये कंप्यूटर कब आए। थर्ड जनरेशन 1965 से 1975, इंटीग्रेटेड आईसी चिप आई, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, पास्कल, बेसिक, एल्गोल आई लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में। आईबीएम, पीडीपी, सीडीसी ये कंप्यूटर आए। फोर्थ जनरेशन आपकी 1975 से 1988, VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट का यूज किया गया। टाइम शेडिंग थी, रियल टाइम नेटवर्क था, डिस्ट्रीब्यूटेड थी, GUI बेस्ड थी, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फास्टर, कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल थी, C++ डी बेस आया इसमें। जो कंप्यूटर आए फोर्थ जनरेशन में, DEC, स्टार, क्रे, एप्पल, वैक्स। फिफ्थ जनरेशन 1988, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, कंप्यूटर जनरेशन की बात करें तो इस समय कौन सी कंप्यूटर जनरेशन चल रही है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है 1988 से प्रेजेंट टाइम तक, आज भी फिफ्थ जनरेशन। इसमें कौन से कंप्यूटर आए, आईबीएम, पेंटियम, परम, C++, जावा, नेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया गया फिफ्थ जनरेशन में 1988 से अब तक। जल्दी से मुझे इसमें से एक चीज देख के बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। कंप्यूटर इनपुट आउटपुट आप लोग सब जानते हैं, सब लोग अवेयर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आया गीता, फिफ्थ जनरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं
कि जरा एक चीज बताइए कि इनपुट आउटपुट ऐसे कौन से स्पेयर हैं जो दोनों में आते हैं। हेलो शुभम, आंसर करो बेटा। इनपुट आउटपुट, इनपुट कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं, ऐसे कौन से हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। ये सर्कल आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। इनपुट में कीबोर्ड, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर। आउटपुट में हेडफोन, हेडसेट, लेजर प्रिंटर, स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जो इंफॉर्मेशन ने स्क्रीन पे डाली या कीबोर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए स्क्रीन के थ्रू हमें दिखी। प्लॉटर, स्पीकर, इंकजेट प्रिंटर। लेकिन इनपुट आउटपुट दोनों है डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी, डीवीडी, वेबकैम, फैक्स, मॉडेम। ये दोनों है। कभी कभी आपसे इस समय जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपका कहता है कि हम आपसे कुछ डिफरेंट पूछेंगे। वो अब इनपुट आउटपुट तो जो पूछता है वो तो पूछता ही है, लेकिन वो ये भी पूछने लग गया है कि बताइए ऐसी कौन सी स्पेयर है जो आपके इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं। मॉडम पूछता है कि मॉडम का फुल फॉर्म क्या है, या मॉडम इनपुट आउटपुट दोनों है, पेन ड्राइव आउटपुट इनपुट दोनों है। थैंक यू काजल। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बेटा आप जैसे ही पीडीएफ पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं जल्दी से पढ़ के एक बार बताते जाओ। मॉडेम का फुल फॉर्म आता है मोटिवेशन कोर्ट्स। क्या होता है मॉडेम का फुल फॉर्म, मतलब सोचो ये इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे आपकी, आपको कितना लग रहा है आईसीटी क्लियर हो गया है, बस इसको पीडीएफ को एक बार पढ़ना रह गया आपके लिए, बस दैट्स इट। और एक कल करूंगी क्लास और उसमें तो सब फिनिश कर दूंगी मैं। आप कहोगे यार इतनी जल्दी कोई कैसे सिलेबस हो सकता है। मॉड्यूलर डिमोडुलेटर दोनों ही है, वेरी गुड। हार्डवेयर में मॉनिटर, स्पीकर, जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। वीजीए कार्ड, एसएसडी, एचडीडी। एसएसडी का फुल फॉर्म, एचडीडी का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। क्या होता है एसडीडी, एचडीडी? थैंक यू भारती। बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपको ये नहीं सोचना है अब कि हम आईसीटी उठा के बैठे, जो मेन मेन चीज होती है ना वो सब कवर करा रहे हैं। एसडीडी, एचडीडी, जल्दी बताइए फिर आगे बढ़े हम लोग। अभी एक बार पीडीएफ पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ये क्लास बेटा रहती है रात को, रहती है 8 बजे के बाद, कभी भी आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही क्लास हम करने लगते हैं आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एसडीडी, एचडीडी बताया। हार्ड डिस्क ड्राइव, वेरी गुड वैशाली। सॉलिड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? अभी रंजीत मैं बताती हूँ बेटा किधर से डाउनलोड होंगे, सारे पीडीएफ अवेलेबल है। सच में 13 से एग्जाम शुरू है, जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती हमारे पास, जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा कि हाँ एग्जाम डेट बढ़ रही है, तब तक हम नहीं कह सकते कि एग्जाम डेट बढ़ रही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी मैं लिंक शेयर कर रही हूं अंकिता, डोंट वरी बेटा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं देखिए और आंसर करिए। और टेलीग्राम पर भी डेली बेसिस पे क्विज चल रहे हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। बताते जाइए, खुद से पढ़िए और आंसर करते जाइए।
ये लीजिए, टेलीग्राम का मैंने लिंक शेयर कर दिया है आप लोगों को, क्लास की जितनी अपडेट है मिल जाएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर आता है, फर्मवेयर आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है, यूटिलिटी आता है। तो जल्दी से मुझे आप बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? पांच प्रकार का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है? जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, एमएस विंडो, एंड्रॉयड, मैक ओएस, आईओएस और लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। डिवाइस ड्राइवर, बायोस ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, साउंड कार्ड रीडर, यूएसबी ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर। उसके अलावा फर्मवेयर में क्या आता है? बायोस, यूईएफआई, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ठीक है। यूटिलिटी में विनरार, यूटिलिटी यानी कि जो हम किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन को यूज करते हैं। विनजिप, अवास्ट एंटीवायरस, सभी के में रहता है कि भाई वायरस आ जाए तो पहले से ही पता चल जाए। पेरीफॉर्म, सी क्लीनर, डायरेक्ट ओपस। यूटिलिटी यानी कि कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए जब हम किसी प्रोग्राम का यूज करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, अभी जरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, यूईएफआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसर में क्या आता है? एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, गूगल डॉक, कोरल, एबी वर्ड। डेटाबेस में मान लीजिए जो आपका डेटा स्टोरेज है, डेटाबेस है, उसके लिए एमएस एक्सेस, एसक्यूएल, डीबेस, क्लिपर, फाइल मेकर। अगर आप किसी मल्टीमीडिया फाइल का यूज करें, मान लीजिए किसी वीडियो को देखना चाहते हैं आप, तब हम किसका यूज करेंगे? वीएलसी, पिकासा, एडोब फोटोशॉप, फोटो को अच्छा करने के लिए, विंडोज मीडिया प्लेयर, इंक स्केल। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जीआईएमपी, एमएस पेंट, कोरल ड्रॉ, ब्लेंडर, ऑटोडेस्क। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? कल वाली पीडीएफ नहीं मिली, कल अभी मैं दिखाती हूँ, सब है। गूगल क्रोम, मोजेला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी। जो नए ब्राउजर हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम हार्डवेयर, पढ़ लेना इसको अच्छे से। यूटिलिटी प्रोग्राम किसके लिए होते हैं? किसी विशेष पर्पस के लिए होते हैं। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। सॉफ्टवेयर फर्मवेयर के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी पढ़ लेना, ये भी मैंने आप लोगों को दे दिया। हिंदी में नहीं समझ में आया मैम हमें, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है सिस्टम मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज, एंटीवायरस। एप्लीकेशन में वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर, रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। ठीक है,
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अच्छे से इसको पढ़ लेना, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, है ना, ये सारी चीजें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल देके कि बताइए जो है मैक फ्री सिक्योर क्या चीज है, तो पता होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये काम किसका है, आपका। जो टॉपिक बचे हैं टेंशन ना लो, एमसीक्यू में वो सारे करा दूंगी मैं। हाई लेवल लैंग्वेज और उनके एप्लीकेशन एरियाज, जैसे कि फोर्ट्रान कब बनाई गई, 1957, और किसके द्वारा बनाई गई, डेवलपर कौन है, ये लैंग्वेज के बारे में। एल्गोल कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, लिस्प जिसे हम लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, कोबोल का फुल फॉर्म, किसके द्वारा डेवलप की गई, किसके लिए डेवलप करी गई, बेसिक, इन सब के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, ये इतनी सारी डिटेल आप लोगों के लिए। यानी अगर आपके पास सोचो कि बुक है कि नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ इसको उठा के पढ़ना है। विजुअल बेसिक, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, फर्मवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, फ्रीवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बनाने वालों के द्वारा बिना किसी फ्री के उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल टूल बार, पिसेरियो कोड, ये क्या चीज होती है, पढ़ लेना इसको भाई। कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीन लैंग्वेज में करता है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम और मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। कंपाइलर, एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में करता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन का ट्रांसलेट करके उसे मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में बदल देता है। इंटरप्रेटर क्या चीज होती है, क्वेश्चन आता है भाई हमेशा, ये किसी प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में करता है, परंतु ये एक बार में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक स्टेटमेंट को ही मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये पढ़ेगा कौन, हाई लैंग्वेज, किसको किसको ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में आपके सामने है कि ये क्या चीजें होती हैं, पढ़ना आपका काम है। कंप्यूटर लैंग्वेज, लो लैंग्वेज कौन सी है, हाई लैंग्वेज कौन सी है, अब ये बताओ जल्दी से भाई, पीडीएफ कौन पढ़ेगा। ये रही लैंग्वेजेस जो नई आई हैं, ये सारी लैंग्वेजेस आपने पढ़ लेनी है, ये नई लैंग्वेजेस हैं जो आई हुई हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, ये शीट मैं कंप्लीट कर रही हूँ, इसको पढ़ना आपका काम है। तो एक मिनट में पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कहाँ से आपको हमारी ये पीडीएफ मिलने वाली है। तो हम चलते हैं पहले गूगल पे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा चैनल का नेम है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in, यानी हम इंडिया में रहते हैं .in लगा दो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ही ब्लू रंग का लोगो नजर आएगा, इस पे ओपन करोगे, कल की पीडीएफ भी दिखाती हूँ है कि नहीं है, ये देखिए ओपन करेंगे, या तो यहाँ पर यूजीसी नेट से डायरेक्टली जून की क्लासेस डाउनलोड कर लो, यूनिट वाइज नोट्स पीडीएफ, ये जो पिछली मैंने क्लास ली है उसको भी देख सकते हो, फरवरी मार्च का क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज सारे के सारे अपडेटेड है। ये मत सोचो कि हम आगे का कुछ पढ़े, पीछे की भी पढ़ते चलो। तो ये दिखाती हूँ कहाँ पे है आपकी पीडीएफ, ठीक है, यूनिट वाइज यूजीसी नेट जून 2023, कल मैंने कराया था डिजिटल इनिशिएटिव, क्या डिजिटल इनिशिएटिव, यहां पे एक मिनट रुकिए जरा सा, एक मिनट एक मिनट, ये देखिए, आई थिंक आप लोग देख ही नहीं पाए है ना, ये देखिए यहां पर डाला इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी, यहां से फिर हम इस पे गए
ये देखिए यूजीसी नेट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले ही ऊपर, बाकी के नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको दिखता जाएगा। क्विज भी हैं, क्विज में भी पार्टिसिपेट करिए। कल की पीडीएफ ये देखिए, हायर एजुकेशन एनईपी 2020 डिजिटल इनिशिएटिव है कि नहीं है, और उसके साथ में लेक्चर वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। कल डिजिटल इनिशिएटिव मैंने कराया था और आपके सामने ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव डाउनलोड कर लीजिए, इस डाउनलोड बटन से डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पीडीएफ अगर मैं कह रही हूं कि आपको मिलेगी तो 100% मिलेगी। पीवाईक्यू रिवीजन भी है यहाँ पे, आप चाहते हो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी हमें मिल जाए तो ये देखिए 2022 का क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू रिवीजन, ये सारी चीजें, साथ ही मॉक टेस्ट, मतलब हर एक चीज अवेलेबल है भाई यहाँ पे। तो करना क्या है, जल्दी से भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहते हो कि कल की क्लास भी और अच्छे से हो नहीं पाए तो आपने क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को क्या करना है, एक लाइक और एक शेयर करना है। और भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन होती है आप पूछ सकते हो। तो अब मिलेंगे आपसे, कब मिलेंगे, कल मिलेंगे। आज बहुत लंबी क्लास हो गई, आई नो आप लोग भी थक गए होंगे, तो टेंशन ना लो, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीड एक्सेस आप उसे गूगल ड्राइव से करके देखो, जिसकी भी नहीं ओपन हो रही है उसे गूगल ड्राइव पे करके देखो, क्योंकि ये सारी गूगल ड्राइव पे सेम है। एक्सेस करिए गूगल ड्राइव पे, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। और जिनको भी लगता है कि मैम को सपोर्ट करना चाहिए तो इस ज्वाइन बटन से, ये जो ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन से मेंबरशिप लेना ना भूलें। ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।